Assalamu alaikum viewers, I hope you all are fine. This is me Naila Zareem and I welcome you all to Javed Publishers. Aaj hum Kids English Grade 3 Chapter Number 10 and the topic is Double Double Clodron Bubble ke baare mein padhenge. Assalamu alaikum viewers, aaj hum ek hamara topic Double Double Clodron Bubble ke baare mein ek badi hi khas cheez janenge, which is curiosity. क्या है ये क्यूरियोसिटी, तजस्सुस क्या है? बच्चों, कभी आपने अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी नई चीज़ होती देखी हो तो आपके जहन में उसके बारे में क्या ख्यालात आते हैं? आप कोई चीज़ देख रहे हो, कोई बिल्कुल इंटायरली न्यू थिंग जो आपने पहले कभी ना देखी हो, आप उसके कंक्लूजन्स में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, नतीज के बारे में सोचते हैं, तो ये क्या है? तजस्सुस है. तजस्सुस क्या है? कोई भी नई चीज़ सीखने की जस्तजू को हम तजस्सुस कहते हैं. इस चैप्टर में अगर आप दी गई तस्वीर पर देखिए तो यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है जो कि एक चुड़ैल की है और वो यहाँ पर कुछ पका रही है. एक बच्चा बड़े गौर से पीछे से उसे देख रहा है कि वो क्या कर रही है. अब ये बच्चा जो उसे गौर से देख रहा है और मुशाहिदा कर रहा है, ये क्या है? तजस्सुस. यहाँ पर क्यूरियोसिटी के साथ एक और चीज़ लिंक की गई है, विच इज़ लर्निंग. काम सीखने की जस्तजू करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेसब्रा होना अच्छी बात नहीं है. आप कोई भी चीज़ नई सीखें तो उसमें सब्र रखें, इत्मीनान रखें कि चीज़ें आगे जो हैं वो बेहतर होंगी. कभी भी कोई भी काम की तजस्सुस करते हुए आपको हैसली जल्दबाजी नहीं करना चाहिए. पेशेंटली उस चीज़ को देखें, सब्र रखें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का, नतीज का इंतज़ार करें. तो इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ेंगे कि कैसे क्यूरियोसिटी, तजस्सुस हमें लर्निंग की तरफ लेकर जाता है. डियर टीचर्स, यहाँ पे आप बच्चों से पूछिए कि क्या कभी उन्होंने किसी ऐसी चीज़ को देखते हुए कोई अपने दिल में जस्तजू पैदा की है कि हम भी ये काम करना चाहेंगे, या क्या हमें भी ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन उस काम को करने के लिए उन्हें क्या क्या सदबाब करने होंगे? ये सब सवालात आप बच्चों से पूछिए और उनके जवाबात एक्सेप्ट कीजिए. टेक आउट पेज नंबर 74 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. लेट्स रीड द चैप्टर. वंस देयर वाज अ विच लिविंग ऑन ए फॉरेस्ट. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चुड़ैल जंगल में रहती थी. हर नेम वॉज टिटूबा. उसका नाम टिटूबा था. शी वॉज स्किलफुल इन मैजिक. शी न्यू हाउ टू क्योर द सिक विद हर मैजिक पोशंस. वो जादू करने में माहिर थी और वो ये जानती थी कि कैसे जादुई दवाइयों की मदद से वो बीमारियों का इलाज कर सकती है. शी वॉज टू ओल्ड टू डू ऑल द वर्क अलोन. लेकिन वो तमाम काम करने के लिए बहुत बूढ़ी थी. शी हायर्ड अ बॉय नेम सैम टू हेल्प हर. उसने एक बच्चे को कुछ पैसे देकर अपने पास मदद करने के लिए रखा. सैम वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू लर्न न्यू थिंग्स. सैम हमेशा दिलचस्पी लेता था नई चीज़ें सीखने में. वन डे टिटूबा वॉज मेकिंग अ मैजिकल पास्ता फॉर द पेशेंट. एक दिन टिटूबा एक जादुई पास्ता बना रही थी. शी सैंग अ स्पेल. उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा. आब्रा कडाब्रा डबल डबल क्लॉड्रॉन बबल. उसने ये मंत्र पढ़ा ओवर द पास्ता पॉट, पास्ता के बर्तन के ऊपर. सून द पॉट कुक द डिलीशियस पास्ता. जल्द ही पॉट ने बहुत मज़ेदार पास्ता बना लिया. सैम वॉज लुकिंग ऑल हिज फ्रॉम द अदर रूम. सैम ये सब दूसरे कमरे से देख रहा था. ही ऑब्जर्व्ड एवरी मैजिकल स्पेल बट ही फेल्ड टू नोटिस दैट टिटूबा हैड व्हिसल्ड स्लोली 3 times टू मेक इट स्टॉप कुकिंग मोर पास्ता. उसने इन तमाम जादुई मंत्र पर मुशाहिदा किया, लेकिन वो ये देखना भूल गया कि टिटूबा ने उस पास्ता को पकाने से रोकने के लिए एंड में 3 बार आहिस्ता से सीटी बजाई थी. टिटूबा लेफ्ट टू क्योर हर पेशेंट. और टिटूबा उस पास्ता को लेकर अपने मरीज का इलाज करने चली गई. सैम रैन टू वर्ड द पॉट एंड सेट द सेम स्पेल. सैम जल्दी से पॉट की तरफ भागा और यही कहा, आब्रा कडाब्रा डबल डबल क्लॉड्रॉन बबल. द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पास्ता. और पॉट ने पास्ता दोबारा पकाना शुरू कर दिया. हुर्रा, आई एम अ मैजिशियन नाउ. हुर्रा, मैं अब एक जादूगर हूँ. सैम शाउटेड विद जॉय. सैम ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया. हाउएवर सैम रियलाइज्ड आफ्टर सम मोमेंट्स द पॉट वुड नॉट स्टॉप प्रोड्यूसिंग पास्ता. ताहम कुछ देर बाद सैम ने महसूस किया कि पॉट जो है वो पास्ता पकाने से रुक ही नहीं रहा. द पास्ता ओवरफ्लोड ऑल ओवर द फ्लोर. पास्ता जो था वो सारा ज़मीन पर गिर गया. व्हेन टिटूबा रिटर्न होम. जब टिटूबा घर आई,
she saw pasta spilled all over the floor. उसने तमाम फर्श पर गिरा हुआ पास्ता देखा. She was very angry with Sam. वो सैम के साथ बहुत नाराज थी. You cannot be expert without learning a thing properly. एक चीज को सही तरीके से सीखे बगैर तुम माहिर नहीं हो सकते. She yelled. वो चिल्लाई. She punished him to eat pasta at once. और उसने उसे सजा दी कि तुम ये सारा पास्ता एक ही बार में खा जाओ. तो इस चैप्टर के एंड में बच्चों आप लोगों ने क्या सीखा कि क्यूरियोसिटी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है. इसके साथ साथ क्यूरियोसिटी के साथ हमें जो हम कोई नई चीज़ लर्न करते हैं उसमें हमें पेशेंट होना चाहिए या इम्पेशेंट होना चाहिए. सब सवालों के जवाब आप मुझे दीजिए. और क्यूरियस होना एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है. नाउ वोकैबुलरी: स्किलफुल, एक्सपर्ट, क्योर, टू हील, स्पिल्ड, टू फ्लो, नोटिस, टू ऑब्जर्व, स्पेल, अ चार्म, एक्सपर्ट, स्किलफुल. थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स. अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए. जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.